हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 578 बनाओ, तुमने बना लिया है 578। इस वीडियो में हम कोई बैटल नहीं करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करेंगे ब्लैक लियोन की अनबॉक्सिंग, जो कि आपको इस पैकेट में दिख ही रहा है, और उसके साथ ब्लैक लॉन्चर भी है, और इसमें हमें स्टिकर्स नहीं मिलेंगे, और ये 4D भी यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है। तो फिर बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेट इट रिप। उसके पैकेट को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टॉर्म पेगासस की भी आंखें ब्लैक दिख रही हैं, तो आपको इसकी आंखें भी ब्लैक दिखनी है, और ये 4D भी ब्लैक है। 4D स्टीम सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, 4D स्टीम सेट, और इस पे यहाँ पे ये ऐसे ब्लैक कर रखा है। और ये रहा हमारा लियोन, और ये रहा हमारा ब्लैक लॉन्चर। तो फिर उसके पीछे यही लिखा है, इसे कैसे असेंबल करना है और कैसे लॉन्च करना है। उसमें मिल जाती है एक वाइंडर, और उसमें हमें स्टीकर नहीं मिले, और ये रहा हमारा ब्लैक लॉन्चर। तो फिर इसमें हमें मिलती है वन पॉइंटर, और ये ओपन है, जिससे हम यहाँ से सिलेक्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे लियोन नहीं बना हुआ है, यहाँ पे ब्लैक रखा है, तो ये हमारा ब्लैक लियोन। तो फिर ये रहा, और आप इसे साइड से भी देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी चार फोर ब्लैक रखा है, ये ब्लैक है। इसकी सिर्फ लेयर और रिंग पर भी ब्लैक है, नीचे का हिस्सा बिल्कुल व्हाइट है, और इसमें ये मिल जाता है एक ब्लैक लॉन्चर। तो इसे हम ग्रेप के साथ लगा के देखेंगे। फिर ग्रेप के साथ लगाने पे ऐसे दिखेगा, ये बिना ग्रेप के लगा। तो हम कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग, हम इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। 3, 2, 1 रोश। तो ये ऐसा दिखता है। तो फिर आपने इसकी टेस्टिंग देखी होगी, तो फिर ये थी इसकी टेस्टिंग, और हम एक इसका ड्राइवर निकाल के बोल रहे हैं। तो फिर ये जरा रिंग आउट हो गया था। 3, 2, 1 तो फिर ये ज्यादा तेज नहीं हो पाया, तो हम रिलॉन्च करेंगे। Still 3, 2, 1
पहली बात ये कोई पार्ट नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो फिर हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे कि डार्क बुल का ड्राइवर और टर्बो स्प्राइजन का ड्राइवर के कुछ इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। तो बिना किसी देर के आप वीडियो को शुरू करते हैं। लेट इट रिप। डार्क बुल का हमें ऐसे इस ड्राइवर को हमें खोलना होगा। तो फिर आपको ये दिख रहा है, तो हमें इसमें ऐसे करके इसके हमें ड्राइवर को हम बाहर करके ऐसे, अभी ये डिफेंस मोड में था तो हम इसे ऐसे करके हम अटैक मोड भी कर सकते हैं। तो अभी मैं हमें आपको लॉन्चर दिखाऊंगी। तो अभी इसकी टिप ये है, और इसकी टिप निकल चुकी है, तो ये एकदम अटैक मोड में घूमेगा। 3, 2, 1 गो। तो फिर हम कॉल लॉन्च करेंगे। फ्री टू गो। और ये मैच लग गया, तो मेरे पास खुले में भी बैठे, तो एक बड़े स्टेडियम में आया है। 3, 2, 1 लेट इट। और ये मोड सिर्फ हम लाभ हम हर मेटल फ्यूजन के बिलेट का ऐसे कर सकते हैं, बस उसकी टिप ड्राइवर ऐसा होना चाहिए। तो फिर ये ड्राइवर इसका भी वैसे ही मोड में आ गया है, तो हम ड्राइवर की भी एक टेस्टिंग करने गए। 3, 2, 1 लेट इट। ड्राइवर को ज्यादा ही तेज
रोटरी ड्रैगो की स्पिन कम भी है और वहां एक राउंड भी कर लेते हैं। 3, 2, 1 गो गोश और लिंग आउट फिश का मिलता है डैनी कॉन पॉइंट। तो हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि है टर्बो स्प्राइजन के, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो टर्बो स्प्राइजन के बारे में है। आपको भी याद ही होगा जैसे कि लुइनोर के बैटल में ड्राइवर यहाँ से टूट चुका था, तो इसके लिए पहले हमें इसके स्क्रूज को ओपन करना होगा। तो फिर अब ये हमने इसके स्क्रूज को खोल लिया है, तो फिर अब एक ऐसा होता है अंदर से, तो इसके लिए पहले हमें इसके इस मोड को हटाना होगा जिसके साथ इसके ये तीनों मोड्स डिफेंस स्टेमिना और अटैक मोड भी निकलाएंगे, जिससे हमें इसका एक नया ही मोड मिलेगा। और एक ड्राइवर इन सब पार्ट्स को मिला के बनता है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये ऐसे लग जाएगा, और ये ऐसे लगने के बाद हमें और ऐसे करने के बाद बस हमें इसे ऐसे एडजस्ट करके और बस यहाँ पे हमें स्क्रूज को लगा देना है। तो फिर ऐसे करके टर्बो स्प्राइजन का ड्राइवर बताए, तो बस हमें इसके इन तीनों मोड्स को हमें निकालना है। और बस हमें यहाँ पे स्क्रूज को लगाना है। तो हमारा ड्राइवर तैयार है, थोड़ा अलग तरीके से घूमने वाला है क्योंकि इसके तीनों मोड्स निकल चुके हैं, तो इसका एक अलग ही चौथा मोड है। तो हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, हम चल ये हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो फिर हम इस मोड को तीनों मोड्स को साइड कर देते हैं। 3, 2, 1 गो स्ट्राइजन एकदम ही अलग, एकदम ही बहुत ज्यादा ही अटैक मोड में था। इसे स्ट्राइजन की स्पिन भी कम हुई लेकिन अटैक तो रहा हूँ। एक और बड़े स्टेडियम में भी राउंड कर रहा हूँ। थ्री टू वन लड़े स्ट्राइजन दीवारों में टकरा कर रुक गया है, इससे उसका एक आटा भी बाहर आ गया। तो अब हम इसके फोर मोड्स होंगे, पहला आपने देख लिया होगा और दूसरा है यहाँ पे अगर हम टेप लगा दें तो ये घूम सकता है। तो अभी तो ऐसे मोड्स टेप लगाने का भी एकदम ऊंचा हो गया है, तो इसके बारे में भी एक वीडियो आई, हम इसके बारे में भी एक बनाएंगे, तो कमेंट जरूर करना। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। 3, 2, 1 इसे स्ट्राइजन बहुत ही ऊपर रह रहा है। तो फिर अब हम इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हर बेब्लेड लॉन्गनेस और एक्सकैलिबर में ये ड्राइवर लगा के टेस्ट करेंगे, तो फिर कमेंट जरूर करना। और हमारी तीसरी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम डार्क सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम डार्क बेब्लेड्स को दिखाएंगे
तो जैसे कि हमने डार्क लियोन को देखा ही था, पर डार्क लियोन प्राइज में और इसके बारे में पूछ चुका था, पर उसके बारे में हमने वीडियो नहीं बनाई। फिर ऐसे ही और भी अलर्ट्स आएंगे मेटल सीरीज के और बेबलेट ब्रश के भी आ सकते हैं। तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसकी क्लिप देख ली होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।